श्री अकाल दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करदा तुहाडा पंजाबी खबरों के इस ताज़ा बुलेटिन दे विच। देश विदेश ते पंजाब दे नाल जुड़ियां खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक बने रहना। सब तो पहली खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फेज़ 5 दे विच बनाए मोहल्ला क्लीनिक का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली दे फेज़ 5 दे विच बने मोहल्ला क्लीनिक का जाके उत्थे पूरा जायजा लिया गया। इस नूं लैके फेज़ 5 दे विच भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस मौके भगवंत मान ने तैयार किए गए मोहल्ला क्लीनिक संबंधी तसली का प्रगटावा किया गया। इस तों इलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज ते पंजाबी च भी शुरू मोहल्ला क्लीनिक किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की मैडिकल सहूलत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान भगवंत मान ने पत्रकारों के वक्-वक् सवालों के तसली बख्श जवाब भी दिए। इस मौके गलबात दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी क्लीनिक जो रोजाना 100 तो वध टेस्ट किए जाएंगे। इन्हां क्लीनिकां लई 2100 तो वध डाक्टर ने अपलाई किया है। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब 117 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे। तो इस दे पहले पड़ा च 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लीनिक पंजाब वासियों के लिए खोले जाएंगे। इस दे नाल ही अगली खबर के वल वधांगे। कैग की रिपोर्ट के वड्डा खुलासा होया, खेती प्रधान सूबे पंजाब की खेतीबाड़ी पॉलिसी ही नहीं, धरती हेठले पानी नूं बचाउण ते किसानां नूं झोने ते कणक दे फसली चक्कर चों कढ़न लई हुकमरान वड्डे वड्डे दावे करदे आ रहे हन, पर जमीनी हकीकत यह है कि खेती प्रधान सूबे की सरकार अजे तक खेतीबाड़ी पॉलिसी नहीं बना सकी। यही नहीं, भारत सरकार के वित्तीय साल 2013-14 च शुरू किए फसली विभिन्नता प्रोग्राम नूं लागू करन लई भी सूबा सरकार फेल साबित हुई है। सरकारी अंकड़े ते झात मारी ते गल सामने आउंदी है कि समय दियां सरकारां ते किसान हितैषी होण दे दावे खोखले साबित होए हन। देश दा अन्न भंडार भरन च मोहरी रोल अदा करन वाले सूबे दी आर्थिकता दी रीढ़ दी हड्डी किसानी नूं पैरां सिर खड़ा करन लई किसे भी सरकार ने कोई कदम नहीं पुट्टिया। पंजाब दे विच कोई खेती पॉलिसी हजे तक लागू नहीं हुई है फसली विभिन्नता नूं लैके। इस दे नाल ही अगली खबर, पंजाब दे स्कूल च मौंकी पॉक्स के केस नूं लैके सामने आया यह सच। जिवें कि पिछले बुलेटिन दे विच आपां तुहानूं मौंकी पॉक्स के स्कूल की जिहड़ी जानकारी दित्ती सी, मीडिया च छपी एक खबर नूं सिरे तों नगारदिआं सिविल सर्जन डॉक्टर आदर्शपाल कौर ते महामारी विज्ञानी डॉक्टर हरमनदीप कौर ने कहा कि जिला मोहाली च हाले तक मौंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। जिक्रयोग है कि खबरों कहा गया है कि शहर के एक स्कूल के विद्यार्थियों के मौंकी पॉक्स के कुछ पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। अगली खबर, पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ वालों लिए अहम खबर है। पासपोर्ट बनाने लिए सितंबर तक करना पवेगा इंतजार। रीजनल पासपोर्ट अफसर चंडीगढ़ तो पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए लोगों सितंबर 2022 तक इंतजार करना पवेगा। 1 से 1.5 महीने के इंतजार के बाद लोगों अपॉइंटमेंट मिल रही है। दस दिए कि कोविड-19 के कारण बीते 2 साल वार वार लॉकडाउन की प्रक्रिया के कारण ते विदेश महामारी के दौरान स्थिति बेकाबू होने नाल लोगों के बाहर जाके काम करन स्टडी वीजा ते होर कार्यां दे लई पासपोर्ट बनाउणे बंद कर दिते सन। लॉकडाउन के दौरान केवल वो लोग ही पासपोर्ट के लिए अपलाई कर सकते सन जिन्हां नूं किसी जरूरी काम लई आपातकालीन स्थिति दे विच जाना हुंदा सी। अगली खबर, हाई कोर्ट का पंजाब सरकार नूं हुक्म, जिन्हां दी सुरक्षा वापस लई है उन्हां नूं एक सुरक्षा कर्मी दिओ। पंजाब दे विच 424 शख्सियतां दी सुरक्षा दे विच कटौती दी सूची लीक होण दे मामले दे विच सूबा सरकार ने हाई कोर्ट नूं दस्सिया कि संबंधी जिहड़ी सीलबंद रिपोर्ट 29 जुलाई नूं सौंप दित्ती जाएगी। सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्हां लोगों नूं धमकियां मिल रही हैं उन्हां दी सुरक्षा उत्ते पंजाब सरकार नूं ध्यान देना चाहिए है। जिन्हां दी सुरक्षा पूरी तरह तों वापस ली गई है उन्हां नूं अगले हुक्मां तक घट्टो घट्ट एक सुरक्षा कर्मी जरूर दिता जाए। अगली खबर की गल करांगे, उस तो पहला वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना जी। गैंगस्टरां दे खात्मे लई पंजाब पुलिस दा मास्टर प्लान, 5 सूबे नाल मिल के बनाई जाएगी कमेटी। पंजाब पुलिस 5 सूबे की तालमेल कमेटी की मदद नाल गैंगस्टरां ते शिकंजा कसेगी। इस गल की पुष्टि करदिआं DGP गौरव यादव ने दस्सिया कि पंजाब हरियाणा हिमाचल राजस्थान अते उत्तर प्रदेश की पुलिस के तालमेल कारण गैंगस्टर एक राज विच अपराध करन तों बाद दूजे राज विच पनाह नहीं लै सकणगे। पुलिस गैंगस्टरां की पल पल की हरकत उत्ते नज़र रखेगी। विदेशों में रहिंदे गैंगस्टर भी अपने गुंडियां राही पंजाब विच आसानी नाल वारदातों नूं अंजाम नहीं दे सकणगे।
पंजाब सरकार पूरी मुस्तैदी नाल अगे वधदी हुई गैंगस्टरां उत्ते काबू पाउण दी पूरी कोशिश कर रही है। अगली खबर कौन है, हरदीप निज्जर किहड़े मामले च आया ना, हुण एन आई ए ने ऐलानिया है 10 लाख का इनाम। फिलौर सब डिवीजन के पिंड भार सिंहपुरा विच शिव मंदिर के पुजारी का कतल करने वाले खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर से एन आई ए ने इनाम का ऐलान कर दिता है। कनेडा के सरी च रहने वाले खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर से 10 लाख के इनाम का ऐलान किया गया। खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखी हरदीप सिंह हुण वह कनेडा के रह के खालिस्तान दीआं सारीआं गतिविधियां चला रहा है, जिस उत्ते 10 लाख का इनाम रख्या गया। अगली खबर, प्राइवेट स्कूलों की हुण नहीं चलेगी मनमर्जी, फीसां वधाउण जां विशेष दुकानां तों किताबां खरीदण दे उत्ते जोर पाउण ते 2 लाख का जुर्माना, मानता भी होगी रद्द। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों ते शिकंजा कसना शुरू कर दिता है, हुण अजिहे स्कूलों नूं मनमर्जी महंगी पवेगी। जेकर प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग नाल फीसां च वाधा करते हैं, मापिआं ते अपनियां मनपसंद दुकानां तों वर्दियां ते किताबां खरीदण लई दबाव पाउंदे हन, तां 30,000 तों लै के 2 लाख रुपए का जुर्माना सरकार दे वल्लों तय किया गया है। अगली खबर है, भगवंत मान ने ट्यूबवैलों का लोड वधाउण लई राहत दे दित्ती है, उस दे विच म्याद वधाई गई है। भगवंत मान सरकार ने किसानां लई वड्डा ऐलान किया है, सरकार ने लोड वधाउण लई दित्ती राहत दी वधाई म्याद जिहड़ी है अगे कर दित्ती है। हुण किसान 15 सितंबर तक स्कीम का लाहा लै सकणगे। दस दिए कि मुख्यमंत्री ने लोड वधाउण लई फीस च कटौती की सी ते 2500 रुपए प्रति हॉर्स पावर तय किया गया सी। हुण तक 1.28 लाख यानी कि 1,28,000 किसान इसका जिहड़ा है लाहा लै चुके हैं। भगवंत मान सरकार ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि ट्यूबवैलों का लोड वधाउण दे खर्चे च कटौती तो बाद दस दे हुई खुशी हो रही है कि हुण तक 1,28,000 तो वध किसानां ने लोड वधाया ते इस नाल सरकार नूं 123 करोड़ रुपए की बचत हुण तक हुई है। अगली खबर, बिजली मुआफ़ी नूं लैके पावरकॉम ने नवीं शर्तां जारी कर दित्ती हैं। बिजली मुआफ़ी नूं लैके पावरकॉम वालों नवीं शर्तां जारी कीतियां गईआं। उन्हां वालों शर्तां जारी करदे हुए कहा गया कि डाक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी महकमे च सरकारी मुलाजम जां साबका मुलाजम जां जिहड़े इनकम टैक्स भरदे हन आदि नूं इस फ्री सेवा चों बाहर रख्या गया। इस वेले दी इह वड्डी खबर है। अगली खबर, बरनाला च ट्राईडेंट दे सारे यूनिट बंद करन दी तैयारी दे विच है कंपनी। एक पासे जिथे किसान जथेबंदियां ने ट्राईडेंट फैक्टरी अगे धरना लगा दिता है, उस पक्का धरना सरकार जिहड़ा उसके विरुद्ध लगाया गया है लोगों के वलों, कर्मचारियों के वलों, उत्थे हुण शहर लई ही नहीं सगों पंजाब लई बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश की मशहूर टैक्सटाइल कंपनी ट्राईडेंट के संस्थापक पद्म श्री रजिंदर गुप्ता ने बरनाला तो फैक्टरी के सारे यूनिट बंद करन दा मन बना लिया। यह खबर ज्यों ही शहर के विच फैली तो हर पासे हाहाकार मच गई। इतों तक कि ट्राईडेंट के 2 तों 3 यूनिट बंद कर दिए गए हैं, जदों के संघेड़ा यूनिट खाली हो गया। संघेड़ा यूनिट में काम करते सारे वर्कर, अधिकारियों, कर्मचारियों, लड़कियों को घर भेज दिता गया। बरनाला तो यह खबर है। पंजाब दे विच पहला ही इंडस्ट्री की कमी है, उपरों लगातार पंजाब दे विच इंडस्ट्री बंद होंदी नज़र आ रही है। सरकार नूं इस वल पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि कि लोगों का जो कारोबार चल रहा है, जो रुज़गार चल रहा, जो रुज़गार मिलिया होया हो उस तरह चलता रहे। अगली खबर, पंजाब पुलिस वालों ड्रग कॉर्टल का पर्दाफाश किया गया। मुख्य सप्लायर 7 लाख तो वध फार्मा ओपीआरडीएस सने गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार देर शाम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गैर कानूनी स्टोरेज गोदाम के छापेमारी दौरान फार्मा ओपीओड्स दियां 7 लाख तो वध गोलियां, कैप्सूल, टीके जब्त किए गए। एक अंतरराज्जी फार्मास्यूटिकल ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने मुख्य सप्लायर भी गिरफ्तार किया, जिसकी पछाण आशीष विश्वकर्मा वजो हुई है, जो कि सहारनपुर यूपी के ITC नेड़े खलासी लाइन का रहन वाला है। इस तरह की खबर मिल रही है। अगली खबर, चंडीगढ़ नगर निगम की वड्डी कार्रवाई, CM हाउस का चलान कट्टा गया, की वजह रही है उसकी आप जानकारी देवे। चंडीगढ़ नगर निगम वालों वड्डी कार्रवाई की गई है। निगम ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहायश नेड़े पई गंदगी लैके नगर निगम ने चलान कट्टा। जिक्रयोग है कि कोठी CM हाउस के अंदर ही आँदी है। चलान मुख्यमंत्री की कोठी के पिछे कोठी नंबर 7 का कट्टा गया, जिस विच मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी रहिंदे हन। मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी के दोनों पासे गंदगी पई होण करके नगर निगम वालों
सवेरे 8:15 बजे 10,000 रुपये का चलान कटिया गया है, इस तरह की खबर मिली है। अगली खबर तरन तारण के फौजी जवान की जम्मू के मौत हुई है, 1.5 साल पहला ब्याह होने की भी खबर मिली है। ज़िला तरन तारण के पिंड बासर के निवासी चमकौर सिंह 26 साल पुत्र स्वर्ण सिंह जो जम्मू विखे फौज के तैनात से सवेरे उन्होंने देहांत होया। फौज वालों परिवारक मैंबर आए सवेरे फोन कॉल राही चमकौर की मौत होने संबंधी सूचना दी, जिस तो बाद घर में चीक चिहाड़ा मच गया और पिंड सूक की लहर दौड़ गई। मृतक चमकौर सिंह के चाचा जोगन सिंह ने दसा कि करीब 4 साल पहला चमकौर घर के हालात में सुधारन फौज के भर्ती होया। इस तरह की मंदभागी खबर तरन तारण तो मिल रही है। अगली खबर पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री का ऐलान, 3 किश्तों गन्ना किसानों के बकाए का होगा भुगतान। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि गन्ना किसानों 3 किश्तों 300 करोड़ रुपये का बकाया मिलेगा। धालीवाल ने यह गल किसान जथेबंदियों के आगुओं मीटिंग उपरंत की। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री अनुसार 100 करोड़ रुपये की पहली किश्त 30 जुलाई तक, इन्नी ही राशि की दूजी किश्त 30 अगस्त तक, तीजी किश्त 15 सितंबर तक लागू कर दी जाएगी। अगली खबर यूपी च विद्यार्थियों को दस्तार सजाने से रोका गया, राजस्थान के साबका ग्रंथी उत्ते मामला, धामी ने सिखा एकजुट होने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बारांदरी इलाके के सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख विद्यार्थियों के दस्तार ते किरपान पहनने ते पाबंदी लगा दी। राजस्थान के अलवर जिले के पिंड मिल्कपुर साबका ग्रंथी की कुटमार केसों की बेअदबी की गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने दोवां मुद्दों का सख्त नोटिस लिया। उन्होंने वख-वख राज्यों में वसदे सिखां नूं अपील की है कि देश में सिखां नाल हो रही धक्केशाही नूं रोकण लई इकजुट होने की अपील की है। प्रधान धामी ने कहा कि सिखां नाल अजिहा सलूक जाणबुझ के किया जा रहा है, सरकारां दी भूमिका भी पर्दाफाश जां पारदर्शी नहीं रही है। घट गिणती के बावजूद देश की आज़ादी लई 80% तो ज़्यादा कुरबानियां सिखा ने दित्तियां, इस दे बावजूद इस तरह घटनावां देश भर दे विच देखण नूं मिल रही हैं। अगली खबर पंजाब पुलिस हैड कॉन्सटेबल की भर्ती लिखती प्रीख्या जो हुई है, देने वाले बिनयकारां नूं वड्डा झटका लग्या। पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कार्डर च 787 असामियां ते हैड कॉन्सटेबल की भर्ती लई आयोजित लिखती प्रीख्या च गड़बड़ी अते धोखाधड़ी के चलदिआं इस नूं रद्द कर दिता गया। प्रीख्या 7 सितंबर 2021 दे विच आयोजित की गई सी। अधिकारियों मुताबक लिखती प्रीख्या लई नवें सिरे तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पहला हुई प्रीख्या च 75,544 बिनेकारा ने अर्जियां दित्तियां सन। अगली खबर पंजाब पुलिस खुद नशे की दलदल के फसी हुई है, कुछ अधिकार जोड़े है पंजाब पुलिस के जवान इस तरह की दलदल के सारे जवान भी इस तरह के नहीं है, कुछ कु परसेंट जो पंजाब पुलिस को बदनाम करने लगे हुए है। लुधियाना च ड्यूटी दे रहा हैड कॉन्सटेबल भुक्की सने गिरफ्तार होया। नशे खिलाफ़ लोगों को जागरूक करने वाली पुलिस खुद नशे की दलदल के फसदी नज़र आई है। थाना सदर की पुलिस ने अपनी ही कमिश्नरेट पुलिस का एक हैड कॉन्सटेबल भुक्की यानी कि चूरा पोस्त समेत काबू किया गया, उस को 1 किलो 800 ग्राम भुक्की बरामद हुई है। मुलजम पठानकोट के पिंड पठान का रहने वाला अनिल कुमार है जो इस समय लुधियाना के ड्यूटी उत्ते तैनात है। अगली खबर पंजाब सरकार का दावा, गरीबों ते पिया भारी, सिविल हस्पतालों की दवाई सप्लाई की जड़ी है रोकी गई है। पंजाब सरकार वालों जनता नाल मोहल्ला क्लीनिक खोलन का किया वादा, सरकारी हस्पतालों आने वाले मरीजों लिए मुसीबत बनता नज़र आ रहा। पहले ही दवाइया की घाट नाल जूझ रहे सिविल हस्पताल सेहत विभाग ने दवाइया की सप्लाई पर रोक ला दी है। इसका कारण यह है कि सेहत विभाग के ड्रग वेयर हाउस के सारिया दवाइया 15 अगस्त 2022 तो शुरू होने वाले मोहल्ला क्लीनिकों लिए राखवियां रख दी गई हैं। सो ये सन अज दी मुख खबर, उम्मीद है कि तुम वीडियो में लाइक शेयर चैनल में सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगली ताज़ा बुलेटिन के साथ, तद तक के लिए सत श्री अकाल।